कर्णाटकर हुबालीरे स्वतंत्र कार्यक्रम होउछि। स्वामी विवेकानंदक जन्मवार्षिकी अवसर रे एही कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि। केन्द्र क्रीडा और युव व्यापार मंत्रालय पक्षरु आसंता 12 तारिख रु 16 तारिख पर्यंत ए उत्सव चलिबो। उत्सवर मुख्य विषय वस्तु रहिछि विकसित युवशक्ति विकसित भारत। स्वामी विवेकानंदक नीति आदर्श शिक्षा एवं अवदानकु सम्मान जणाइबा पई प्रतिवर्ष विवेकानंदक जन्मजयंती अवसर रे जातीय युव उत्सव अनुष्ठित करा जाय। एही उत्सव रे युव गोष्ठी को शामिल करा जाउछि। चलित थर भारत G20 रो अध्यक्ष पद ग्रहण करिछि, तेणु एथिरे G20 एवं Y20 कार्यक्रम गुरुत्व पाइबो। एही कार्यक्रम माध्यम रे देशव्यापी युवपीढ़ी को नियोजित करिवार प्रक्रिया आरंभ होइछि एवं Y20 रो विषयवस्तु संपर्क रे युव समाज को सचेतन करा जाउछि। 5 दिनिया कार्यक्रम रे 60 रु अधिक विशिष्ट विशेषज्ञ जोगदेवे बोली PMO पक्षरु सूचना दिया जाइछि। एही परिप्रेक्षी रे छात्र केंद्रिक शासन डिजिटल इंडिया उपरे आलोचना, गणतंत्र शासन रे युवपीढ़ी को भूमिका, एकविंश शताब्दी रो दक्षता, जलवायु परिवर्तन, विपर्य ह्रास, शांति प्रतिष्ठा और बुझामणा, स्वास्थ्य एवं निरामय जीवन आदि प्रसंग स्थान पाइछि। जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी कि उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको नहीं। आपण माने देखुछन्ती सीधासलख दृश्य 26तम जातीय शुभ उत्सवर उद्घाटन समारोह हेबाकु जाउछि। जातीय युव उत्सव को उद्घाटन करिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक है आयशा और उसी का प्रकटीकरण हम आपण माने देखु परछन्ती सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्णाटक रो हुबाली रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोग देबे, जेउठी 26तम जातीय युव उत्सव उद्घाटन समारोह होउछि। जातीय युव उत्सव को उद्बोधन देबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत वहां पर हुआ है और हम देख रहे हैं शैलेंद्र कि सभी वर्गों के लोग, महिलाओं की संख्या की बात करें, युवाओं की संख्या की बात करें, काफी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित। स्क्रीन में देखुछन सीधा सड़क दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26तम जातीय युव उत्सव उद्घाटन समारोह रे उद्बोधन देबे। कर्णाटक रो हुबाली रे स्वतंत्र कार्यक्रम ए नै करा जाइछि। स्वामी विवेकानंदक जन्मवार्षिकी अवसर रे एही कार्यक्रम करा जाइछि। केन्द्र क्रीडा और युव व्यापार मंत्रालय पक्षरु आसंता 12 तारीख 16 तारीख पर्यंत ए उत्सव चलिबो। आप इस रोड शो में सिर्फ युवा नहीं बल्कि हर था, आप जिक्र भी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की एक खास वजह भी ये मानी जाती है कि लगातार वो सक्रिय रहते हैं, देश हित में चिंतन करते रहते हैं और तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे किस तरह से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले उसकी उसकी चिंता करते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम तमाम रैलियों में, इस तरह के रोड शो में देखते हैं कि वंचित वर्ग से या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति वहाँ इन जनसभाओं में खड़े नजर आते हैं, प्रफुल्लित नजर आते हैं, उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आती है जो अपने प्रधानमंत्री को नजदीक से देखकर हासिल होती है। तो निश्चित तौर पर वो हम दृश्य देखते हैं जब इस तरह के रोड शो में सड़कों के दोनों तरफ जो नजारा होता है, पुष्पवर्षा होती है, वो ये दिखाता है कि किस तरह से एक जन नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग अभिवादन करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं और अगर मौका मिलता है तो पुष्पवर्षा जिस तरह से हम देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर हम इस तरह जब रोड शो में तस्वीरें देखते हैं, सभी आयु उम्र के लोग हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे पता चलता है कि कितने लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये लोकप्रियता उनकी वर्षों की कठिन तपस्या मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने देश की जनता के हितों की चिंता करते हुए की है। जी, और जो एक सूत्र वाक्य विवेकानंद का था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में उस तरह का सूत्र वाक्य दिया है शैलेंद्र, परिश्रम की पराकाष्ठा। प्रायः प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में इसका जिक्र करते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा, उसी का जिक्र आप कर रहे थे शैलेंद्र। निश्चित तौर पर, और परिश्रम की पराकाष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सूत्र वाक्य दिया बल्कि आप देखें कि उनके जीवन में वो दिखता भी है। जब वो बिना एक दिन छुट्टी लिए बीते कई वर्षों से लगातार देश सेवा में लगे हुए हैं, लगातार हम उनके दौरे देखते हैं, कई बार कई कई घंटों तक हम देखते हैं कि कई कार्यक्रम लगातार लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मोदी सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाओं को अधिकतम लाभ पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि हम उससे प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी में भी देखते हैं सतत कार्यक्रमों की व्यूह रचना होती है, चुनाव वाले राज्यों में भी और उन राज्यों में भी जहां चुनाव दूर है, संगठन लगातार काम करता रहता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से भारतीय जनता पार्टी भी प्रेरणा लेती है।